ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके साथ कोई क्राइम हो जाता है ओके, तो उसके कितने दिन बाद आप एफआईआर अपनी लिखवा सकते हो ओके। यानी कि सपोज आपके साथ कोई क्राइम हो गया और आपको याद नहीं रहा कि आपने एफआईआर लिखानी है, या फिर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन होगी जो आपके से वो टाइम पीरियड निकल गया, या आपको बाद में पता चला कि भाई एफआईआर लिखवानी चाहिए, या फिर ऐसी कंडीशन होगी कि आप उस टाइम जब क्राइम हुआ था आप डर गए थे तो आपने कोई पुलिस एक्शन या कुछ भी ऐसा नहीं लिया था। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम अब हम यानी कि कुछ टाइम पीरियड निकलने के बाद अब हम एफआईआर लिखवा सकते हैं या नहीं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आफ्टर इंट्रो, सो लेट्स स्टार्ट इंट्रो। Okay, तो इस चीज के लिए हमारे पास एक प्रोविजन होता है सेक्शन 468 ऑफ सीआरपीसी। ये डील करता है लिमिटेशन ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, यानी कि आप कब कब अपनी एफआईआर लिखवा सकते हो सरल शब्दों में ओके। तो पहली कंडीशन होती है अगर कोई क्राइम है जिसकी पनिशमेंट या तो फाइन है या 6 months तक है, तो आपके पास उसमें टाइम होता है 6 months। यानी सपोज कोई भी ऐसा क्राइम है उसकी जो पनिशमेंट है ना वो 6 महीने तक है, तो जितनी पनिशमेंट होती है उतना ही आपके पास टाइम पीरियड होता है। सपोज अगर किसी केस में 3 year पनिशमेंट है, जैसे कि चोरी में 3 साल तक की मैक्सिमम सजा है, तो आपके पास 3 साल तक ऑप्शन है कि आप लिखवा सकते हो एफआईआर। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट आता है कि सपोज किसी के साथ मल्टीपल क्राइम हो गया, मर्डर भी हो गया, चोरी भी हो गया, सपोज जो भी है ठीक है, तो वो जो सबसे ज्यादा सजा होगी ना वो तब तक लिखवा सकता है, जैसे कि 7 साल एग्जाम्पल के तौर पर 7 साल तक वो अपनी एफआईआर लिखवा सकता है ओके। अब ये नहीं है कि वो 7 साल के बाद ही लिखा सकता है, यानी कि पहले भी लिखवा सकता है, जरूरी नहीं है। अब इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है सेक्शन 473 ओके। इसमें क्या है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड। सपोज आपका टाइम पीरियड निकल गया तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ फैक्ट्स देने पड़ेंगे कोर्ट में, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ऐसा मेरे को ऐसी कंडीशन थी मेरी उस टाइम की, मैं भाई कंप्लेन कर नहीं पाया, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, या मेरी तबीयत खराब थी, या फिर कुछ भी ऐसा। अगर कोर्ट को लगता है तो वो परमिशन दे देगा ओके। ये तो हो गई देखो जनरल बातें, लॉ की बातें ठीक है, यानी कि लॉ के लॉ हमारी कानून की चोचलेबाजी। अब मैं आपको रियल फैक्ट बताता हूँ। तो देखो अगर आपके साथ कोई भी क्राइम होता है तो आपने 24 hours के अंदर अंदर एक्शन लीजिए, क्योंकि देखो जितना आप डिले करोगे ना उतना ही आपका नुकसान है। आर गेटिंग? कोर्ट को भी लगेगा यार फेक है, क्या है, क्या बकवास है ये। आर गेटिंग? और पुलिस वाले इतनी जल्दी एफआईआर लिखते नहीं भाई जितना पुराना मैटर होता है। तो मॉरल ऑफ दिस वीडियो की भी जितना जल्दी हो सके उतना ही आप एफआईआर लिखवाओ बिना हिचकिचाट के ओके। कोई डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, नेवर ओके। तो सो आई होप इट इज क्लियर नाउ, राइट।